मैं शशि प्रताप सिंह, अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी। राजनीति का सबसे घिनौना काम, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने करके यह साबित किया, दिखाकर यह साबित किया कि राजनीति में कोई मित्र नहीं होता है, मित्रता धर्म कोई नहीं होता है। जिस तरह से जीरो से हीरो मानी अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को 2022 के चुनाव में जीरो से 8 सीट तक पहुंचाने का काम किया और खुद लगातार 2 बार 3 बार सांसद का चुनाव हारने के बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा में भेजकर एक राजनीतिक मित्रता का संबंध को निभाया। आज वही व्यक्ति लालची हो बनकर और वो अखिलेश यादव जी का साथ छोड़कर वो किसी अन्य गठबंधन में जाने का काम किया, यह घोर निंदनीय है। और राजनीति में ऐसा मित्र कभी नहीं पाना चाहिए जो सांप के जैसा हो, जो दुमुहा सांप हो। ऐसे राजनेताओं को से जनता को भी बच कराना चाहिए। जो नेता उपकार को हर साल भूल जाता हो और सहयोग और समर्थन देने वाले, त्याग देने वाले व्यक्ति को भूलकर लोभ और लालच में किसी और के साथ चला जाता हो, ऐसे लोगों को राजनीतिक गंदगी खेलाओ और कुछ नहीं कर सकते। मैं शशि प्रताप सिंह, अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी। राजनीति का सबसे घिनौना काम, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने करके यह साबित किया, दिखाकर यह साबित किया कि राजनीति में कोई मित्र नहीं होता है, मित्रता धर्म कोई नहीं होता है। जिस तरह से जीरो से हीरो मानी अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी को 2022 के चुनाव में जीरो से 8 सीट तक पहुंचाने का काम किया और खुद लगातार 2 बार 3 बार सांसद का चुनाव हारने के बावजूद भी माननीय अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा में भेजकर एक राजनीतिक मित्रता का संबंध को निभाया। आज वही व्यक्ति लालची हो बनकर और वो अखिलेश यादव जी का साथ छोड़कर वो किसी अन्य गठबंधन में जाने का काम किया, यह घोर निंदनीय है। और राजनीति में ऐसा मित्र कभी नहीं पाना चाहिए जो सांप के जैसा हो, जो दुमुहा सांप हो। ऐसे राजनेताओं को से जनता को भी बच कराना चाहिए। जो नेता उपकार को हर साल भूल जाता हो और सहयोग और समर्थन देने वाले, त्याग देने वाले व्यक्ति को भूलकर लोभ और लालच में किसी और के साथ चला जाता हो, ऐसे लोगों को राजनीतिक गंदगी खेलाओ और कुछ नहीं कर सकते।